भाई गिर गया है, बिग बॉस का स्टैंडर्ड गिर चुका है। बिग बॉस OTT सीजन 3 शुरू हो चुका है और अब मजा आएगा क्योंकि इस बार के कंटेस्टेंट्स जितने कलेशी और कनिंग है ना, ये गेम कुछ कंटेस्टेंट्स की वजह से इंटरेस्टिंग हो सकता है। ऑल्दो इसमें कोई शक नहीं है कि एक से बढ़कर एक लोग हैं शो में इस बार। तो चलिए डिस्कस करते हैं अभी तक के एयर किए गए 3 एपिसोड्स के मुताबिक कौन सा कंटेस्टेंट इन सब में से सबसे ज्यादा डिजर्विंग है और एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। मगर उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर बिग बॉस फैंस। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, इट्स मी प्रिशा और आप देख रहे हैं अनकट। यार देखो, अगर सबसे लो एनर्जी कंटेस्टेंट की हम बात शुरू करें तो आई फील पौलमी दास मुझे सबसे ज्यादा फीकी कंटेस्टेंट लग रही हैं अभी तक इस शो में। अभी तक ये विशाल पांडे के साथ सिर्फ छिलकों के मुद्दे पर लड़ी हैं, बट ट्रस्ट मी, इनकी फाइट्स और एनर्जी में वो एंथुसियाज्म है ही नहीं जो घर में टिकने के लिए चाहिए होता है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू माय प्रेडिक्शंस, मुझे लगता है कि पौलमी जल्द ही इस घर से बाहर होंगी। मैक्सिमम 2 वीक्स तक ये टिक सकती हैं क्योंकि इनसे पहले एक और ऐसी शख्स हैं जो इस घर से बाहर होने के लिए काफी ज्यादा डिजर्विंग है और वो है टैरो कार्ड रीड करने वाली मुनीषा खटवानी। भाई अगर इतने अच्छे सितारे पढ़ने आपको आते ही थे तो अपने लिए भी पढ़ लेती, क्यों आई हैं इस शो में। उन्हें ऐसा लग रहा है कि लवकेश और विशाल के लिए फ्री टैरो कार्ड रीडिंग करके शायद उन्हें फुटेज मिल जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी रिसेंटली आए एपिसोड में विशाल और लवकेश पोहा छुपाते दिखे, जहां उन्होंने मुनीषा को बहुत ही कन्वीनियंटली अपने कमरे में जाने को कह दिया। मतलब कारनामे की शुरुआत तो तीनों ने साथ करी थी, मगर एंड रिजल्ट तक आते आते विशाल और लवकेश ने बहुत कन्वीनियंटली उन्हें अपनी जगह से हटा दिया। तो ये तो भाई क्लियर कट दिखता है कि विशाल और लवकेश दोनों ही किसी और में इंटरेस्टेड नहीं है एक्सेप्ट फॉर ईच अदर। और सच बताऊं तो इन्होंने ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव खेला है बाय टीमिंग अप एज अ पेयर, क्योंकि फिलहाल इन दोनों को फुटेज अच्छा मिल रहा है। हालांकि लवकेश की लाउड पर्सनालिटी भी विशाल पर आगे जाकर भारी पड़ेगी, बट दीज टू आर डूइंग somewhat quite well, at least they're better than the rest and I somewhat like the chemistry too. अब chemistry की बात हो रही है तो भाई 2 दिन नहीं हुए हैं और ये love triangle शुरू हो चुका है। जी हाँ, I don't know if you've noticed, but नेजी जो कि रैपर हैं इस शो में, उनका दिल सना मकबूल पर आ चुका है, मगर सना सुल्तान का दिल नेजी पर आ चुका है। सेकेंड एपिसोड में जब ये तीनों स्टेयर्स पर बैठे थे कि बहुत ज़्यादा ऑब्वियस दिख रहा था कि सना मकबूल की तरफ नेजी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि सना सुल्तान उन्हें अपनी शायरियों से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। बट आई गेस नेजी के इंटरेस्ट थोड़े डिफरेंट है। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग चीज और हुई थी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 3rd एपिसोड। सना सुल्तान जब नेजी के साथ अकेले वॉशरूम एरिया में खड़ी थी तो एकदम से वहां विशाल पांडे की एंट्री हुई और उन्होंने आके सना को हैप्पी बर्थडे विश किया और उन्हें एक स्टार नाम का पेंडेंट भी ऑफर किया जो वो उनके लिए एज अ गिफ्ट लाए थे। साथ ही विशाल ने ये भी ऑफर किया कि वो सना को वो पेंडेंट पहना दे, मगर सना ने बहुत सचली वो पेंडेंट विशाल से लेकर खुद पहन लिया, जिसके बाद विशाल काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो गए थे। तो भाई ये तो था बिल्कुल कट टू कट रिजेक्शन। अब नेजी का सना स्क्वायर ट्रायंगल कब तक चलेगा ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा, मगर एक कपल ऐसा और है जो ट्रिपलिंग कर रहा है और वो है अरमान, कृतिका और पायल का चायो। जी हाँ, ये वही इंसान है जो अपनी दोनों बीवियों के साथ आए हैं इस शो पर और बाकी लोग जो भी गए। आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स टू डू दिस। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर तो ये काफी फेमस हैं ही, अब बिग बॉस में आके भी अपनी अतरंगी आइडियोलॉजीज लोगों से डिस्कस करके ये लोग काफी ज्यादा फुटेज बटोर रहे हैं, बट सैड बात यह है कि इनके जो मुद्दे हैं उनमें भी दम नहीं है। आई मीन एक एपिसोड में रणवीर ने सिर्फ यूट्यूबर नाम यूज किया था फॉर लवकेश, ये कह के कि लवकेश को आखिर कौन ही देखता होगा, और वो भी सही बात थी यार, एल्विश की आर्मी के अलावा लवकेश के आखिर सपोर्टर्स कौन है। अगर आप हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन रणवीर की इतनी सी बात को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, उसे ये कहा गया कि वो यूट्यूबर्स की बेइज्जती कर रहे हैं, वो यूट्यूबर्स का एज अ प्रोफेशन मजाक उड़ा रहे हैं। तो रणवीर को इस वक्त सभी लोग टारगेट कर रहे हैं, व्हाई? बिकॉज ही इज द मोस्ट सेंसिबल कंटेस्टेंट ऑफ द हाउस। सीरियसली, इतने कंटेस्टेंट्स अभी तक रणवीर से आके ये पूछ चुके हैं कि आप कौन हो, आप कौन हो। गाइज, हैव यू बीन लिविंग अंडर अ रॉक? सिंग इज किंग, भेजा फ्राई, ये कुछ ऐसी फिल्म्स हैं जिनमें रणवीर ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। एंड अगर ये लोग ऐसा कॉन्टेंट कंज्यूम नहीं करते देन आई डोंट नो, मे बी ये एल्विश आर्मी के ही लोग हैं। नेक्स्ट इन लाइन वी हैव द वेरी
फेमस वड़ा पाव गर्ल, जो जैसा मैंने आपको पहले प्रेडिक्शन में बताया था, इनकी किचन ड्यूटी लग चुकी है और ये ऑलरेडी खाने को लेकर सबसे लड़ाई कर रही हैं। इन्होंने घर में आते ही अपने आप को डिफेंड करना शुरू कर दिया था। मतलब इनके जितने भी वायरल क्लिप्स हैं जहाँ पर ये 4 वड़ा पाव बेचती हैं, बेसन के लिए लड़ाई करती हैं, उन सब की BTS इन्होंने बहुत सटली घर वालों को समझाई, ताकि ऑडियंस को ये पता चल जाए कि इन केसेस में चंद्रिका की गलती बिल्कुल भी नहीं थी। तो ठीक ठीक फुटेज इस वक्त लेती हुई चंद्रिका दीक्षित भी अपना खेल अच्छा खेल रही हैं, बट अगेन शी इज अगेंस्ट रणवीर, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, और ये काफी बार अपना ग्रुप भी बदलती दिखी हैं। देन वन मोर इंटरेस्टिंग कंटेस्टेंट इन द हाउस इज नीरज गोयात। ये कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उन्हें इस वक्त वो स्पेस नहीं मिल रहा है, और आने वाले टाइम में अगर ये अपना इस सोशल ऑकवर्डनेस का बैरियर तोड़ पाए तो हो सकता है कि नीरज भी एक काफी अच्छे कंटेस्टेंट बन के आएंगे आगे। और इस सीजन की सबसे अनोइंग सिंपथी प्रोजेक्ट जो बिग बॉस की टीम लेकर आई है वो है शिवानी, जो ये दावा करती हैं कि वो गांव से हैं, लेकिन उन्होंने आते ही अपनी जो पर्सनालिटी पोर्ट्रे करना शुरू किया है इन फ्रंट ऑफ द अदर कंटेस्टेंट्स, इट्स एक्चुअली सैड। ये एक धब्बा है उन लोगों के लिए जो गांव से हैं। गांव के लोग बहुत स्वीट होते हैं और अगर उन्हें किसी चीज के बारे में चीजें नहीं पता होती तो वो शांत रह के उस चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अभी तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है कि शिवानी को किसी ने पुल डाउन करने की कोशिश करी हो या उन्हें गांव वाली बोलने की कोशिश करी हो, लेकिन जिस तरह से इनके एक्शंस हैं और जिस तरह से ये बिना बात के लोगों को टारगेट कर रही हैं और फनी दिखने की कोशिश कर रही हैं, आई समवेयर फील कि ये इस मोटिव से आई हैं कि इन्हें सिंपथी पे खेलना है। तो भैया अभी तक के 3 एपिसोड में तो किसी ने इन पे सिंपथी नहीं दिखाई है, जो कि नहीं भी दिखानी चाहिए। अगर आप बिग बॉस के घर के अंदर हैं तो आप सब इक्वल हैं और इसी थॉट से आपको इस शो का पार्ट बनाया जाता है। एंड नेक्स्ट वी हैव दीपक चौरसिया, जो एक काफी जाने माने एंकर हैं, ही इज वेरी वेल रेड, और वो वही कर रहे हैं शो में जाकर जो वो शो के बाहर करते हैं, एंड दैट इज रिपोर्टिंग, विच इज फाइन आई फील। वो अपनी खुद का एक फुटेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं बाय होस्टिंग स्मॉल डिबेट्स, बाय होस्टिंग स्मॉल शोज, एंड आई थिंक इट्स अ गुड ट्रिक समवेयर मे बी। आपको कैसा लग रहा है दीपक चौरसिया जी को देखकर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टॉप 3 अगर कंटेस्टेंट्स जो मुझे अभी तक बहुत ज्यादा पसंद आए हैं, दैट वुड बी रणवीर फॉर श्योर। देन नेक्स्ट आई रियली लाइक सना मकबूल, जिन्हें सब इस वक्त कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट और कनिंग है, बट आई फील शी इज जस्ट वेरी सॉर्टेड। और अगर वो नेजी से नजदीकियां इसलिए बढ़ा रही है ताकि उनका गेम स्ट्रांग हो सके, देन ऑल्सो शी हैज अ वेरी स्ट्रांग गेम माइंड सेट, विच इज कमेंडेबल। ऑन 3rd नंबर वी हैव लवकेश, जो इतनी क्रिंज बातें करने के बाद भी काफी ज्यादा लोगों को एंगेज करने में सक्सेसफुल हो रहे हैं, सो दैट इज अ गुड थिंग फ्रॉम द गेम्स परस्पेक्टिव। बस बात यही है कि बस वो अपनी बाउंड्रीज ना भूल जाए गेम जीतने के लिए। आपने अगर अभी तक ये 3 एपिसोड्स देखे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका फेवरेट कंटेस्टेंट अभी तक कौन है, और आपको क्या लगता है किसमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है इस गेम के फिनाले तक पहुँचने का। टिल देन, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर दैट यू प्रेस द लाइक बटन, और अगर आप चाहते हैं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स आपकी फीड पर आते रहें, देन डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।